ऑस्ट्रेलियन वोमेंस क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर एशले गार्डनर और मेंस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मिचेल मार्श, इन दोनों को ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने खास अवार्ड के साथ सम्मानित किया है और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श को बुधवार को 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में एलन बॉर्डर मेडलिस्ट पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। तो एशले गार्डनर जो वोमेंस ऑलराउंडर है, बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलियाई खेल में ये बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है और इसमें पैट कमिंस को पछाड़ करके मिचेल मार्श ने इस अवार्ड को हासिल किया। तो वहीं पर एशले गार्डनर की अगर बात करें तो उन्होंने हीली और उनकी जो हम वतन क्रिकेटर है पेरी को पछाड़ करके इस अवार्ड को अपने नाम किया है। तो एशले गार्डनर दुनिया की उन और टॉप की ऑलराउंडर में से है, जिस प्रकार से आप समझे कि भारत पूरे क्रिकेट इतिहास में साकिब अल हसन जिस तरीके के ऑलराउंडर थी, एशले गार्डनर कुछ उसी तरीके के ऑलराउंडर है। अफगानिस्तान के खिलाफ 118 रनों की इनिंग्स और टेस्ट क्रिकेट में 177 रनों की एक धांसू पारी के लिए इस अवार्ड के लिए उनको सम्मानित किया गया है। एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलियाई टीम की बहुत बेहतरीन प्लेयर मानी जाती हैं और कैप्टन भी है वोमेंस क्रिकेट टीम की, अगर बात करें तो वो ऑस्ट्रेलियाई वोमेंस क्रिकेट की कैप्टन भी हैं। और मिचेल मार्श जिन्होंने वर्ल्ड कप में टीम के लिए बहुत ही अहम योगदान दिया था और अंततः भारत को फाइनल में हराने में कामयाब रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम, उस टीम के मिचेल मार्श सदस्य थे और बतौर ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए योगदान दिया था। तो दोनों को ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने खास अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।